क्योंकि व्यक्ति परिवहन निगम की बसेज में लोक की यात्रा के लिए निकलता है और होली के अवसर पर एक सौगात आप दे रहे हैं, 150 नई बसेज आई हैं। पिछली बार हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की थी, परिवहन निगम ने बसेज दी और सबसे अच्छी बात की ये बसेज परिवहन निगम के ही वर्कशॉप में बन रही है, ये बड़ी बात है, हमें उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी चाहिए। पुरानी जो बसेज हो चुकी हैं, 10 साल पुरानी बसेज अगर हैं उनको स्क्रैप की तरफ ले जाकर के फिर से नई बसेज को खरीदने के लिए हम लोगों ने इस बार तो बजट में 1000 नई बसेज खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए हैं परिवहन निगम को, और पहली बार इतना पैसा अलग से मिला, कुंभ को छोड़ करके इतना पैसा पहली बार हम लोग दिए हैं, और 100 करोड़ रुपए दिए हैं जो आपके बस अड्डे हैं उन बस अड्डों को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए अच्छी, कुछ को पीपीपी मोड पर लेके जाइए, कुछ को परिवहन निगम, आपका परिवहन निगम स्वयं ही उसको बनाने की तैयारी करिए। और ये पैसा इसलिए दिया गया है कि आपने संकट के समय उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों के साथ आप खड़े रहे, इसलिए हमें अपने बजट से पैसा देने में कोई संकोच भी नहीं हुआ, क्योंकि आपदा बता करके नहीं आती है, उसके लिए हमें सब तैयार होना होता है और सब कुछ आपके पास है, सामर्थ्य आपके पास है, स्केल भी है और स्किल भी है, ये सब आपके पास है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना, अपनी सामर्थ्य का एहसास हमेशा कराना, इस सामर्थ्य का एहसास लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, विकास के लिए होना चाहिए, हड़ताल के लिए नहीं, अराजकता पैदा करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को परेशान करने के लिए नहीं, सामान्य नागरिकों को राहत देने के लिए इसका हमें उपयोग करना चाहिए। और ये सचमुच आज अच्छा है कि 75 जनपदों के लिए एक एक राजधानी सेवा, और सच्चाई तो ये होगी कि बलिया को जोड़ने के लिए परिवहन मंत्री जी ने रास्ता निकाला होगा, तो इसके लिए आखिर बलिया सीधे तो कोई उड़ के जा नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए इसी बहाने से भी 75 जनपदों को हम जोड़ लेते हैं। लेकिन अच्छा प्रयास है, ये अच्छी बस सेवा आप दीजिए और राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। 75 बस सेवा आज शुरू होने जा रही है 75 जनपदों के लिए। होली के अवसर पर परिवहन निगम को पहले ही हम लोगों ने कहा था कि भीड़ भाड़ हो रही है बस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, एयरपोर्ट्स पर, अगर हम अच्छी बस सेवा दे देते हैं तो उसका लाभ होगा लोगों को, कॉमन मैन को उसका लाभ होगा, आसानी से लोग अपने घर में जा सकते हैं, अपना पर्व और त्यौहार मनाने के लिए आसानी से लोग जाएंगे। होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, यही तो आयोजन होते हैं जब व्यक्ति अपने घरों में जाकर के अपने सगे संबंधियों से मिल लेता है, और उस समय अगर सरकार उसमें थोड़ा बहुत उनकी यात्रा को सुगम बनाने में थोड़ा योगदान दे सकता है तो देना चाहिए। रक्षाबंधन के समय परिवहन निगम माताओं और बहनों को फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराता है, उसको लोग बहुत अच्छे ढंग से बहुत पॉजिटिव उसमें लेते हैं, और यह सेवा हमें अनवरत रूप से इसी प्रकार से आगे बढ़ानी चाहिए। अच्छी सेवा देंगे लोग उसको स्वीकार करेंगे, हम इसमें नए नए मॉडल उठाने चाहिए। 1,00,000 राजस्व गांव है उत्तर प्रदेश के अंदर, लक्ष्य हमारा होना चाहिए उन सभी 1,00,000 गांवों में परिवहन निगम अगर चाहें तो यह रेलवे से और एयर कनेक्टिविटी से बेहतर सेवा दे सकता है, बेहतर सेवा दे सकता है। 1,00,000 गांवों को, कुछ को परिवहन निगम और कुछ पे पीपीपी मोड पर अनुबंधित बसेज के माध्यम से उन गांवों को सेवाओं से आप जोड़ सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सब जगह आप 50 सीटर बसेज ही भेजें, कुछ जगह 30 सीटर बसेज भेजिए, 20 सीटर बसेज भेजिए, जोड़िए, किसी यात्री के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसकी यात्रा सुरक्षित हो, आसान हो, हर व्यक्ति अपने गांव से अपने शहर की तरफ जा सके और शहर से गांव की तरफ भी आसानी से जा सके। अगर गांव से कोई सामान उसे लेकर के शहर की तरफ आना है, सब्जी
मार्केट तक पहुंचाना है, आपकी सेवा उनकी सेवा के लिए तैयार हो। अगर अपना कोई सामान जिसको मार्केट की तरफ ले जाना चाहता है, आपकी सेवा उसके लिए तैयार दिखाई दे। और आप इसके माध्यम से जगह जगह छोटे छोटे परिवहन निगम अगर इसमें सहयोग करें, पर्यटन विभाग के साथ मिल जाएं, राजस्व विभाग के साथ बात करें, कहीं पर अच्छे ढाबा बने, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले, अच्छे होटल बने, लोग जाएं उनका उपयोग करें। आप मान के चलिए 1,00,000 स्थानों पर आप ये सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं और लाखों नौजवानों को नौकरी, रोजगार और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। पीपीपी मोड पर बस अड्डों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तत्काल आगे बढ़नी चाहिए। 5 को कल किया है, लेकिन इसको तेजी लाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आता है, सबसे पहले उसका वास्ता पड़ता है बस स्टैंड पर। बस अच्छी हो, साफ सुथरी हो। हम अपने कार्मिकों को प्रशिक्षित करें इस बात के लिए। एक चालक, उसका काम केवल आकर के स्टेयरिंग पे बैठना नहीं होना चाहिए। एक परिचालक है, वो केवल आकर के केवल टिकट ना काटें। हम पहले आए, देखें, वह बस हमारे लिए धर्मस्थल जैसा पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आजीविका का आधार बन रही है। दर्जनों लोगों की सुरक्षा का आधार बन रही है, उनके उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। उसकी सफाई करें, उसको पहले से, अगर बस 8 बजे चलनी है तो 1 घंटे पहले आकर के हम पूरा उसकी फिटनेस चेक कर लें, देख लें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हम नियमित रूप से इन कार्यक्रमों को करेंगे, देखेंगे, और कोई भी अगर टूट फूट हुई है तो तत्काल उसकी मरम्मत भी कर लें। आपके पास अपनी वर्कशॉप है। मैं एक बार एक राज्य में गया था, दूसरे राज्य में, उत्तर प्रदेश के बाहर, तो उस बस की केवल बॉडी बॉडी थी, एक भी ग्लास नहीं था। तो मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा ऐसे क्यों, आज आप जो है कम से कम इसी बहाने हवा आ जाती है इससे। तो हमने कहा ग्लास क्यों, कोई एक भी शीशा नहीं था। लोगों ने उसको अपना उसका हिस्सा बनाया हुआ है, ठीक नहीं है। देखिए, एक नागरिक की सुरक्षा, अगर कोई गिरी जाए, कोई बच्चा ही नीचे झांकते हुए तेज स्पीड के दौरान नीचे गिर जाए, क्या स्थिति होगी। हमें उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोनों के ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही चालक परिचालक का मेडिकल फिटनेस, ये नियमित क्रम का हिस्सा बनना चाहिए। इसके लिए उप मुख्यमंत्री पाठक जी हैं, उनके साथ एक MOU परिवहन निगम। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।